देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम। हवाओं का रुख कुछ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत यानी कि इस्लामाबाद में एक सूरत हाल तब्दील हो रही है। ये सूरत हाल एक तरीके से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में तब्दील हो रही है। जहां पे कुछ दिनों पहले तक खान साहब के हवाले से मुश्किलात नजर आ रही थी, खान साहब को कानूनी सूरत हाल पे कानूनी पेचीदगियों का सामना था, तो वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की हिमायती जमातों के लिए कुछ सूरत हाल कदरे बेहतर नजर आ रही थी। लेकिन अब ऐसा लगता है, ऐसा मालूम होता है कि सूरत हाल फिर तब्दील हो रही है और ये तमाम तर सूरत हाल एक बार फिर से करवट लेती हुई नजर आ रही है। खान साहब के हवाले से आज एक बड़ी पेशकश हुई कि इनके जो एटीसी मुकदमा जो चल रहे थे उसमें जो शिकें डाली गई थी उनको हटा दिया गया और ये यकीन तौर पे खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है। यहाँ पे खान साहब के इस मौकफ की भी कहा जा सकता है कि जीत हुई, कि कहीं ना कहीं वो जो मौकफ पेश कर रहे थे आला अदलिया में उसको तस्लीम किया गया और अभी इसके ऊपर मजीद फैसला होना बाकी भी है। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए कुछ मुश्किल में इजाफा हो रहा है कि उनकी उनके रहनुमा जनाब जावेद लतीफ साहब के हवाले से जो मुकदमा का इस वक्त मामला चल रहा है, जो कि लाहौर थाना ग्रीन टाउन में दर्ज कर लिया गया, उसकी एफआईआर की कॉपी भी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस मुकदमे के हवाले से यकीन तौर पे काफी सारी सूरत हाल मंजर आम पे आई और इसके हवाले से जो ट्वीट भी एक किया गया है, जो कि किया गया है कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम साहब ने, जो कि होम मिनिस्टर पंजाब है, और उनके इस ट्वीट में जो कहा गया है वो ये है कि लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब और एमडी पीटीवी राशिद बेग और प्रोग्राम प्रोड्यूसर के हवाले से जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इसमें यकीन तौर पर बड़ी सख्त दफात भी शामिल की गई हैं। सूरत हाल क्यों तब्दील हुई और इस सूरत हाल की तब्दीली के पीछे आखिर वजूहत क्या हैं, इन सवाल से तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफी तजियाकार हैं। इनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं, जानते हैं ये अक्सर तब्दीली कैसे होती हुई नजर आ रही है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, तब्दीली होती हुई नजर आ रही है या तब्दीली हो रही है? देखें, बात तो यहाँ शुरू हुई थी कि तब्दीली हुई नहीं है, हो नहीं रही है, बल्कि हो चुकी है और वाकई उसी तब्दीली के नतीजे में सब कुछ तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो आपने हवाला दिया कि जो इस्लामाबाद की सियासी फ़जा बिल्कुल तब्दील हो चुकी है और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि इमरान खान को ग्रिप हासिल हुई, एक नई ग्रिप हासिल हुई है और वो इस पोजिशन में आ गए हैं कि वो निकलें और जो है जो उनके हरीफ है उन पर छा जाएँ। ये एक ऐसे एडवांटेज नज़र आ रही है क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो टैक्टिस जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल टैक्टिस इस्तेमाल करना वो जानते हैं और वो ये कहते हैं कि कंफ्यूजन की फ़जा में रखें ना तो दुश्मन फैसला नहीं कर पाता है कि वो कैसे मुकाबला करें। सही। तो ये कन्फ्यूजन की उनकी पॉलिसी है कि कभी वो कहते हैं कि नहीं अमन होना चाहिए, इलेक्शन हो जाएंगे। कुछ बैकडोर रवाबित का तस्करा भी हो रहा है खान साहब के हवाले से, कुछ इस तरह की खबरें इतला दी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की कुछ अहम लोगों से मुलाकात हुई, इस मुलाकात की वजह से सूरत हाल में कुछ बेहतरी भी आ रही है और कहीं ना कहीं सूरत हाल को आप देख भी सकते हैं कि खान साहब का एटीसी कोर्ट के हवाले से जो मुकदमात हैं उनमें नरमी हो रही है, फिर शहबाज गिल साहब की रिहाई, फिर खान साहब का जो एक और जो जलसों की तहरीक एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं तब्दीली तो आ रही है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल वाजह है ये बात कि ये मुलाकात हुई है जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कही जा रही है मुबैना तौर पर, अभी उसको कंफर्म नहीं किया जा रहा है लेकिन बहुत सारे हलकों से बात आ रही है कि कुछ हो रहा है और वो हो रहा है। उसके नतायज जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो भी बिल्कुल ठीक हैं कि उसकी वजह से मुलाकातें भी हुई हैं और रिलीफ भी मिल रहा है इमरान खान लेकिन पार्टी समझाए ना हमें जी जो पहले कहा जा रहा था कि एक बयानिया ऐसा था कि एस्टैब्लिशमेंट शायद खान साहब से खुश नहीं और कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट का झुकाव दूसरी जानब भी था, ये कहा गया, लेकिन अब सूरत हाल अगर तब्दील हो रही है तो उसके पीछे की वजूहत क्या है? क्या मौजूदा गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही या मौजूदा गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज उस तरीके से नजर नहीं आ रही? देखिए, जो जो एक होती है हुकूमत उसकी कुछ तरजीहात होती है, एक रियासत इस वक्त जो है स्टेक रियासत है। अगर ये चीज़ें अगर इलेक्शन नहीं होते, अगर जो है इमरान खान निकलते हैं और जो है वो उनकी एडिटेशन बढ़ जाती है, जो उन्होंने कहा है कि दो हफ्ते में जो है हम एक नई सूरत हाल पैदा कर देंगे और इनको मजबूर कर देंगे, ये सारी चीज़ें उससे ये तासर मिलता है कि कहीं ना कहीं इनके मिलाप भी हुआ है और जो है इनको पॉजिटिव सिग्नल भी मिले हैं
और इनको हिमायत भी मिले, लेकिन चूंकि कंफ्यूज पॉलिसी के वो आदी हैं फौरी, साथ ही उन्होंने डांट भी पिला ली है कि उनकी जमात के कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं जिसके पूरे पूरे सिग्नल्स हैं, और वो उनको आगाह करता हूँ, उन्होंने वार्न किया उनको कि उसको कि वो उन लोगों से ना मिले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो रियासत को जो खतरात नज़र आ रहे हैं उसकी वजह से ये है कि अगर हमारा जो है आर्मी चीफ जिसे अक्टूबर में जो है वो तब्दील होना है, अगर उसको चैलेंज कर दिया जाता है तो सारी चीज़ें हिल सकती हैं और इदारा जो है वो एक, और ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आर्मी चीफ की तैनाती तकरीर के हवाले से आता हूँ, लेकिन दूसरी जानब लाहौर में थाना ग्रीन टाउन में एक मुकदमा दर्ज किया गया जावेद लतीफ साहब के हवाले से। जावेद लतीफ साहब हम सब जानते हैं कि नून लीग के बड़े वोकल शख्सियत हैं और कहीं ना कहीं बड़े नपीतुली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सी चीज़ें आईं और कहीं ना कहीं मजहबी इश्तियाल अंगेजी का एक रंग सामने आया जिसके हवाले से नोटिस भी लिया गया। अब नून लीग को ये जो सूरत हाल है कितनी ज़्यादा तकलीफ दे, क्योंकि एक जानब तो नून लीग खान साहब के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी और आज खुद इस तरह के मुकदमात में दो चार नज़र आ रही है। देखिए गेम देखें, खेल देखें, देखिए खेल, आपने कहा कि जावेद लतीफ पे मुकदमा बना दिया गया और ये बड़ी अजीब सी बात है कि हुकूमत में रहने के बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा बना, लेकिन आप ये भी तो देखें कि फ़ायदा किसको हुआ। नैब की एक मिसाल ले लें, आप नैब के मुकदमात जितने वापस लिए गए हैं सब के जो ये जो हुकूमत के लोग हैं सीनियर तरीन लोग हैं उनके मुकदमात वापस लिए गए इस तरफ, और उसमें तरमीम की गई है उसके उसके कवानीन में तरमीम करके ये फ़ायदा उठाया गया है। तो आप ये भी देखें कि अगर उन्होंने 10 फायदे अब मुख्तलिफ मुकदमात में हासिल किए हैं, और एक मुमकिन है कि ये जावेद लतीफ़ का मुकदमा जो है वो इसी तरह कोई मिसाल कायम करने के लिए बैलेंस बताने के लिए सूरत हाल को कि अगर हमने जो है एक तरफ हमें आसानी मिली है हमने तो तरमीम करके लिए हैं, हमारे पास मुकदमे भी है, ऐसे तमाशे होते रहते हैं हमारी सियासत। लेकिन जाने से हमारी सियासत में इस तरह की बड़े बयानबाजी देखी गई, लेकिन मजहबी इश्तियाल अंगेजी तशद्दुद पर उकसाना मजहब के नाम पे, और फिर पॉलिटिकल फिगर्स को जो कि ऑलरेडी काफ़ी सारे मुश्किलात में हम देखते हैं हिटलिस्ट के ऊपर होती हैं, उनकी जिंदगियाँ बड़ी ज़्यादा और सिक्योरिटी एजेंसीज उनके हवाले से तशवीश का इजहार करती हैं अक्सर, ऐसे माहौल में इस तरह का बयान दे देना आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा प्रीमैच्योर था? चीज ये है कि हमारे यहाँ जानते हैं कि हम मजहबी इमोशनल रिलीजियस इमोशनल कौम है, टच दे रहे थे स्वामी। अब ये दे देते हैं, देख लेते हैं कि जब जहां लोग उनकी फोर्स में आ जाए, बाइंडिंग फोर्स में आ जाए और जज्बाती होके उनकी हिमायत करने लगे उसको ये खेलते हैं, उसमें तेल डालते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। सबसे गिरा हुआ हरबा ये होता है कि आप मजहब में इस नून लीग की पॉलिटिक्स को धचका पहुंचेगा आपको लगता है? यार धचके ही धचके हैं उसके, अभी तो देखें अभी पहले धचके उसको लग रहे थे, अभी तो ऐसा लगता है कि सारी हुकूमत को धचके ही धचके कहां से। इस केस का आपको लगता है क्योंकि फैसला होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमने देखा शहबाज गिल साहब के मामले में भी बात चली, फिर उसको कहीं ना कहीं थोड़ा मेलो डाउन करके अब जमानत दे दी गई। जावेद लतीफ साहब ऑलरेडी जब हुकूमत इनकी अपनी है, और कहा यह भी जा रहा है कि शायद ये बयान जावेद साहब ने अपनी मर्जी से नहीं दिया, शायद किसी के कहने पे बयान दिया हो, तो आपको नहीं लगता कि प्रोटेक्शन मौजूद है जावेद साहब के पास? देखें जो प्लान्ड होते हैं ना चीज़ें, प्लान्ड कि पहले बयान दिया जाए फिर जो है मुकदमा भी शायद किसी ने कायम कर लिया हो, और ये तासुर भी है कि जो है वो बड़ा इंसाफ हो रहा है, दोनों पैरल जो तवादुन बरकरार रखा गया है, ये भी इसके अलावा भी एक बात है जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। एक और भी पहलू है जिस पर तबसरा तजिया किया जा सकता है, वो ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये तो नवाज शरीफ हुकूमत की बदनामी है शहबाज शरीफ, क्योंकि आपने पहला नाम भी दुरुस्त ही लिया। हाँ तो मैंने यही कहना चाह रहा था कि वो अभी तो मशवरे उनसे चल रहे हैं, पहले जो है वो अपने वालिद साहब से मियां शरीफ से वो मशवरे लेते थे, अब बड़े भाई से मशवरे ले रहे हैं। ये मशवरे के ऊपर मैं आता हूँ जहांगीर साहब, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन रवाना होते हैं और वहाँ पे अब जब मुलाकातें होती हैं तो अवामी रद्द अमल भी सामने आता है,
एवन फील्ड अपार्टमेंट जिसमें इस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मुकीम हैं और वहाँ पर अरसे दराज से वो और उनकी फैमिली मुकीम रही, उस अपार्टमेंट के सामने मुजाहरा भी हुआ, प्रोटेस्ट भी हुआ और दोनों तरफ से काफ़ी सारे इसमें जुमलों का तबादला होता हुआ नजर आया। लेकिन कहीं ना कहीं सूरत हाल कशीदा हुई और कुछ इस तरह के मामला भी हैं कि कुछ खवातीन को जदकोप भी किया गया है, तो ये जो सूरत हाल कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल भी हुई है, इसके ऊपर ही बात करते हैं। और एक सवाल है जो मैं छोड़े जाता हूँ कि क्या मुल्क का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसे शख्स से मुलाकात कर सकता है स्टेट प्रोटोकॉल के साथ, जब वो शख्स के बारे में अदालतों के काफ़ी सारे फैसले आ चुके हैं और वो शख्स अदालती नज़र में मफरूर हो, तो क्या ऐसे शख्स से मुलाकात करना वज़ीर आज़म का मनसब इस बात को मनसब को जचती है भी ये बात या नहीं, इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपके बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया, मौलाना फजल रहमान साहब ने मीडिया से गुफ्तगु करते हुए एक बयान दिया और कहीं ना कहीं उसका निशाना खान साहब को बनाया और दबे लफ्जों में जो कुछ उन्होंने कहा, जरा पहले वो सुनते हैं और फिर मजीद गुफ्तगु करते हैं। फितने आते हैं मुल्क में, आ जाते हैं फितने, इस तरह के एक फितने से हमारा वास्ता है, लेकिन इंशाअल्लाह इस फितने का सर हम कुचल चुके हैं। हाँ, अब मैं उनको यहीं से पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आपकी हुकूमत दोबारा नहीं आएगी। तो आपने सुना कि किस अंदाज से मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं कि अब आपकी हुकूमत नहीं बनने देंगे। जहांगीर साहब किसको कह रहे हैं, गालिबन खान साहब को ही कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त तमाम दर जमातें हुकूमत का हिस्सा है, तो ये इशारा कमोबेश हुकूमत के लिए खान साहब के ऊपर ही हो सकता है। बड़ी दिलचस्प बात मैं बोल दूं आपको, जब लोगों की तबीयत खराब होती है ना तो इस टाइप की बातें करते हैं, तो हुकूमत कैसा नहीं है। अभी मजे की बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तबीयत ठीक होने पे वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो हकायक से बिला वजह की बातें। आप ये काम करें कि आपने एक्टिव क्यों नहीं किया, अभी एक दरवाजे खोलते हैं। ये आज वो कह रहे हैं कि बीमारी की वजह से मैं सेहतियाब हुआ है, मुझे इजाज़त मिली है और मैं इस काबिल हुआ है, तो अब सियासत में बयान दिया होगा। पहले इनका ये बयान था कि हम तो ला ताल्लुक है, हम तो जो है। लेकिन इस तरह का बयान देना क्या, अगर ओपोनेंट्स के ऊपर बात करूं, साइकोलॉजिकली कोई इम्पैक्ट करता है इस बयान की, कोई इस तरह की कोई वक्त है? क्योंकि अगर मैं मौलाना फजल रहमान साहब की बात करूं तो खुद इस वक्त अमली तौर पे पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो अमली सियासत में तो उनका भी उस तरीके से किरदार नहीं है। हाँ, जोर तोड़ के वो माहिर है। एक तरीका जदीद दुनिया में जदीद तरीके से आता है, वो नैरेटिव है जिसको बयानियां कहते हैं। वो बयानियां हर एक ने रखा हुआ है, ये इत्तेहाद वाले हुकूमती इत्तेहाद ने भी रखा हुआ है और इन्होंने भी रखा। लेकिन जहांगीर साहब, अगर ये कहा जाए कि अब आपकी हुकूमत दोबारा नहीं आएगी, पिट रहा है, पुलिस सिस्टम पे सवाल नहीं खड़ा करेगा अगर ये कहा जाए कि अब आपकी हुकूमत दोबारा नहीं आएगी? और जिस कॉन्फिडेंस के साथ मौलाना फजल रहमान साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, गालिबन इस बात का अंदेशा भी है कुछ हल्कों में। सर जी, किसी को शायद बुरा लगे भरा लगे, लेकिन ये सब तासुर ये देते हैं कि कोई हमारे पास कुवत है। जब वो ऐसे बात बहादुरी की बातें करते हैं, नहीं बहादुरी की बातें करते हैं तो यही आता है कि यार इनके पुष्पनाही कहीं हो रही है और इनको कहीं हिमायत गैबी हिमायत आ चुकी है और कुछ ना कुछ हो रहा है और पीछे हो रहा है हुकूमत को हिमायत। क्या कुछ हो रहा है जहांगीर साहब, हो क्या कोई इस तरह की यकीन दहानी कराई गई होगी जो मौलाना फजल रहमान साहब ने? भाई देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हिट की जा रही है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हिट हो रही है, उसके लिए अमन अमान का कायम रहना ज़रूरी है। वो इधर भी बात कर रहे होंगे और इधर भी बात कर रहे होंगे, इनको भी समझा रहे होंगे कि आप रियासती इदारों के पीछे ना पड़े, तो बात तो दोनों तरफ हो रही होगी। एक जो है आया हो गई, आज जो है डिस्क्लोजर हो गया उसका, एक का जो है वो शायद पीछे ठीक हो गया। आपने आपने रियासती इदारों की बात की,
आर्मी चीफ की तकरीर को लेके काफी दिनों से मौजूद बहस की तमाम सूरत हाल बनी हुई, और खान साहब तुबा शगाफ अल्फाज में इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि आने वाली हुकूमत जब तक मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे, फिर नहीं जो भी हुकूमत हो वो उसका फैसला करे कि कौन अगला आर्मी चीफ हो सकता है। इस सूरत हाल के बाद शहबाज शरीफ साहब पहुंचते हैं लंदन, अपने भाई से मुलाकात करते हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में खबरों का जीनत बनता हुआ रहा है कई सालों तक। इस मुलाकात को लेके भी कई बात कही जा रही है कि क्या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का अपने भाई से मिलना इस तरीके से कि वो इस वक्त अदालती फैसलों के हवाले से मफरूर हैं और वो पाकिस्तान में नहीं, उनको केसेस का सामना करना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि पहले तो प्राइम मिनिस्टर का मनसब इस बात की इजाज़त देता है या उसको जचती है बात कि वो किसी ऐसे शख्स से मुलाकात करें? भाई देखें, एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर तबसरा भी बड़ा अजीबोगरीब होगा, लॉजिक और मंतक के ख़िलाफ़ होगा। जो वो तो कहते हैं कि इमरान खान वाले तो कहते हैं, बल्कि इमरान खान कहते हैं कि शहबाज शरीफ पर भी बहुत सारे मुकदमात हैं, समझे आप? ये कहाँ से दूध के धुले हैं कि जो है ये जो मिलने जाए वजीर आजम, मुकदमात होना अलग बात, लेकिन मसला ये है कि वहाँ का भी केस ऐसा है, जो बुनियादी केस है वो ऐसा है कि अगर नई सूरत हाल रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ जाए, उसको तश्कील नौ देनी पड़ जाए, तो दो दिन में जो है वो मुकदमा भी वापस हो सकता है। क्या नहीं हुआ है पाकिस्तान में, जैसी सजा मिली है वैसे वापस भी हो सकता है, सब स्पेस बना के खेल रहे हैं। अब वो इतनी बड़ी बात, इतना आसान होता तब तक अब तक वापसी नहीं हो चुका होता, आपको नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत में दोनों बात है, उनके लिए अगर आना आसान नहीं है तो उनके लिए लाना भी आसान नहीं है। ये इन्होंने बड़ी नारे लगाए इमरान खान वालों ने कि हम यूं ले आएंगे, और जो है हमने उनकी आलमी इदारों को भी कह दिया और मुकदमात भी हमने लड़ने, कुछ भी नहीं हुआ, ना उधर हुआ ना इधर हुआ। लेकिन लेकिन अगर मैं आपसे जांगिर साहब सवाल, यहाँ की यहाँ तो उनको खतरा थे ना जांगिर साहब, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर एक बात बताए ना कि मुल्क के आने वाले आर्मी चीफ या किसी भी अहम मनसब के ऊपर कौन तायनात होगा कौन नहीं होगा, क्या इस तरह का फैसला कोई ऐसा शख्स कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है? इसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है कि शायद शहबाज शरीफ साहब अपनी अपनी रिट को खुद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। भाई देखें, ये तो ये कमजोर है शहबाज शरीफ साहब, कोई भी नहीं कह सकता। ये नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ फैसले किए थे जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में, उसका नतीजा क्या निकला, मुकर्रर भी उन्होंने किया, तकर्रर भी उन्हीं का था, उन्हीं के साइन है, उन्हीं के ऑर्डर थे, हुआ उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ उसके साथ। अब ये जो कह रहे हैं कि ये ले आएंगे वो ले आएंगे, क्या इनको खुद भी नहीं मालूम है कि किसको लाना है? जनरल फैज से ये मोहब्बत का इजहार करते हैं, वहाँ जो उसके प्रोटोकॉल जो तरीक़ेकार हैं, जो उसकी तरतीब है और जो उसका अब सारा चीज़ें उसके तरीक़ेकार है ना फौज का, बिल्कुल सही है, उसकी सीनियरिटी है और जो भी उनकी पॉलिसी है वो उनको एज पर रूल एज पर बुक चल रहा है ना, एज पर। यहाँ जो है वो वजीर आजम फैसला ज़रूर करता है, लेकिन वो हवा का रुख देख के, फौज के हवा का रुख और उसका मिजाज देख के और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक करता है। जैसे वजीर आजम सदर साहब किसका रुख देखते हैं, वजीर आजम लेकिन, लेकिन क्या ये मुलाकात इस तमाम सूरत हाल के पेश नजर आपको लगता है मुलाकात में काफी सारे सवाल उठाए गए होंगे? देखें, दो भाइयों की मुलाकात है वो तो फोन पे भी बात, वो तो भाई की मुलाकात नहीं हो सकती ना, आप शहबाज शरीफ साहब एज अ पर्सन नहीं वहां पे गए थे, वो तो वजीर आजम पाकिस्तान के मनसब के तौर पे गए। मैं उनका रिश्ता बता रहा हूँ, कंफर्टेबिलिटी बता रहा हूँ, सही ताल्लुक की। अब दो भाई की मुलाकातें वो चलते चलते बात कर लें, जो फोन से बात कर लें, वो जो कुछ कर लें, वो जो शायद एक पावर बिल्ड करने के लिए वो सबके सामने बोल रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ से मशवरा लेने गया हूँ। उनके वजीर भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कल नहीं, अगर कल को आना था तो आज हमारी ख्वाहिश है कि आज आ जाए। ये बताया जाता है कि एक तब्दीली यार, हर एक कोई अपना कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर मैं जागीर साहब अगर गुज़श्ता चंद दिनों की बात देखूं, SCO समिट भी हुआ और दीगर तकारीब भी हुई, कोशिश की गई कहीं ना कहीं कि शहबाज शरीफ साहब का एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया जाए, आलमी सतह पे शहबाज शरीफ साहब को एक बड़ा लीडर बना के दिखा के पेश भी किया जाए, और इसमें होना भी चाहिए, वजीर आजम है मुल्क और ये पाकिस्तान की वजीर आजम के मनसब को जचता भी है कि जो भी वजीर आजम हो वो बड़ा नजर आए, वो अहम नजर आए। लेकिन कुछ तस्वीर जारी की गई
जिसको नून लीग के सोशल मीडिया ने गलत एक अलग अंदाज में पेश किया, और फिर जब उसकी वीडियोज आई तो सूरत हाल अक्सर तब्दील हो गई। ये वीडियो इस वक्त चल भी रही है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब निकल रहे हैं और ये बीच में से जाके कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ उन्होंने उठाई है। दूसरी अगर आप देखें तो रशियन प्रेसिडेंट प्यूटिन के हवाले से जब उनकी मुलाकात हुई तो वो अपना माइक ही सेट करते रह गए, बल्कि ट्रांसलेटर ही सेट करते रह गए। तो इस सूरत हाल है क्या कहीं हमारी जो लोग जाते हैं, हमारे जो वज़रा जाते हैं, वज़ीर आज़म जाते हैं, तो तरबियत होती है इनकी कोई? देखें, तरबियत पर ख्वाहिश गालिब आ जाती है। अगर ये इनकी ज़रूरत पोस्ट करने की है, इंटरनेशनल रिकग्नाइज करने की है, जिस तरह काम करने थे उसका वो तो हुए नहीं है, तो अब जाहिर है कि ऐसे शॉर्टकट ही खेले जाएंगे कि वो उछल के जाए और मिठाई खाने लग जाए और हमारी बदनामी। मोदी साहब भी ऐसी जज्बाती होते थे, उसको जो है पूरी झप्पी भर लेते थे वो भाई मिल गया उसका 40 साल पहले लिखा था, इस तरह की हरकतें करते हैं। और रिएक्शनली क्या आता है कि वो तो उसने तो अपने तौर पे अच्छी की और नतीजतन क्या हुआ कि वो बदनाम हो गया और क्रिटिसाइज होने लगा पूरी दुनिया में, ये कौन सा। बल्कि ट्रंप ने तो कह दिया था, एक ने तो कह दिया था वो कि बस ठीक है ओके। बॉडी लैंग्वेज नेचुरली जो है वो देखिए तौर पर वो नजर भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कोशिश शाम से बताए ना, कोशिश हाँ। कितने लीडर्स थे वहां, इंतहाई कम गो थे वो, उनकी दौड़ भाग नहीं थी लेकिन वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं मुझे जहांगीर साहब बताया ना कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवालात उठाए जा रहे हो, वो कॉन्फिडेंट ना नजर आ रहा हो, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो किसी सूरत हाल की वजह से, इट कुड बी एनीथिंग, तो इसका तासुर आलमी मीडिया में क्या जा रहा होता। नवाज शरीफ साहब गए अब सदर अमेरिका से मिलने और उनके पास जो है पर्चियां थी, वो पर्चियां तक नहीं पड़ी जा रही थी, उनसे पर्चियों से थी नोट। यही कुछ सूरत हाल हुई इस बार भी जब शहबाज शरीफ साहब रशियन प्रेसिडेंट से मिला गए थे, इससे क्या हुआ कॉन्फिडेंस। लेकिन आदमी का आप आदमी की जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, जो कौम उसको कॉन्फिडेंस देती है वो उसके साथ चलता है, जब वो कॉन्फिडेंस जो लूज होता है तो उसको फिर इस तरह की हरकतें मजबूर। कॉन्फिडेंस लूज होता है तो कहीं ना कहीं सूरत हाल यकीन तौर पर मुश्किलात में तब्दील हो सकती है। और ये बात जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे तनकीद करना किसी का कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो तमाम तर पहलू जिसके हवाले से इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें तो बहुत सी बातें कही जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ मौकामात पे मुख्तलिफ मौक़ों पर जो कुछ वहाँ पे किया उसको बहुत सी जगहों पर सराहा भी जा रहा है, क्योंकि यकीन तौर पर एक सीनियर सियासतदान तो है, लेकिन कुछ एरियाज हैं शायद जिनके ऊपर काम हो सकता था, क्योंकि एक बड़ा इवेंट होता है जब आप इंटरनेशनल फोरम पे जाके अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, अपना ताल्लुक दूसरे ममालिक के सरबराहों से बेहतर बना सकते हो, एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसके ऊपर मजीद बात भी करेंगे। और कुछ ना कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की जो इस वक्त मसरूफियात हैं, वो इस वक्त क्वीन के फ्यूनरल की तकरीबात में आखिरी रसूमात की तकरीबात में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो ये कि पाकिस्तान में आज भी पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, सैलाब की नजर हुआ है, और इस सवाल से मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक बहस इस वक्त जारी है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वो ये कि शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त मौजूद हैं यूके की क्वीन के आखिरी रसूमात के हवाले से लंदन में, और वहां पे इस वक्त ये रसूमात जारी भी है और शहबाज शरीफ साहब वहां पे मौजूद भी हैं, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब पाकिस्तान में इतना बड़ा सैलाब आया, इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में तबाही हुई और हजारों लोग इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बेयारो मददगार हैं, हजारों लोग इसमें शहीद भी हुए, तमाम तर सूरत हाल से हर कोई वाकिफ भी है, बखूबी तौर पर जानते भी हैं, लेकिन क्या हमारे मुल्क में इस वक्त कितनी बड़ी वज़रा की फौज है जो इन लोगों की नमाज जनाजा अटेंड करने गई, और कितने लोग हैं जो इस वक्त इन लोगों के दरमियान खड़े हैं। फोटो सेशन तो यकीन तौर पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अमली तौर पे अगर पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए, एनजीओ की बात की जाए,
तो इस वक्त इन लोगों के लिए कोई जरा हुकूमती सतह पे कुछ तरह से काम नहीं हो रहा, वहां पे आज भी वुजरा एमपीएस एमएनएस की कोई तादाद नजर नहीं आती जो वहां पे जाए उनकी उनकी उनके हवाले से कोई हालचाल का दरियाफ्त करें, उनके दुखों में उनके गमों में साथ शरीक हों। लेकिन जब बात होती है मलका बरतानिया की तो फिर सूरत हाल यकीन तौर पर तब्दील होती है। यहाँ पे एक पहलू ये भी है कि जब इंटरनेशनल फोरम पे आप जाते हैं आपकी नुमाइंदगी होती है तो इससे यकीन तौर पर मुल्क को फायदा होता है वसी दर मफाद में। लेकिन सवाल फिर भी ये रहेगा कि अगर शहबाज शरीफ साहब वहां मौजूद हैं तो यहाँ पे कौन है, कौन है और कौन होना चाहिए था जो इस वक्त इस खला को पुर कर सकता। जहांगीर साहब तंकीद की जा रही है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और इससे पहले वो एससीओ में थे, चले वो भी इंपॉर्टेंट मसला था, इसके बाद वो अपने भाई से मुलाकात करने चले गए, फिर वो अब मलका की आखिरी रसूमात के लिए रवाना हुए और वहां पर भी देखा गया कि बड़ी जबरदस्त अंदाज में उन्होंने वहां पर जाके शिरकत की। लेकिन पाकिस्तान में हजारों लोग पिछले एक महीने के अंदर शहीद हुए सैलाबी पानी से, कितने लोग आज भी दर बदर हैं और अभी हम देख रहे हैं कि इसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, इसके ऊपर तनकीद करना या इसके ऊपर सवाल उठाना जायज है? तनकीद और सवाल तो बहुत छोटी चीज है, यहाँ तो लानत मलामत की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है, कि क्या तमाशा है, कौम को उसके आप उसके वजीर आजम हो, उसके माई बाप हो, आप जो आपकी हुकूमत हैं उसका क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो? कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हो सकती है, इतने सारे इवेंट आपने गिनवाए उसमें मुल्की मफाद में कुछ जाना था, लेकिन आप इतनी तवील अरसे तक मुल्क से बाहर रह रहे हैं, अपने भाई से बात भी कर रहे हैं और वो उससे पूछ भी रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये यहाँ बैठ के भी हो सकता था क्योंकि आप ताज़ियती कलमात यहाँ से भी अदा किए जा सकते हैं। अगर मैं मलका के हवाले से बात करूं, ताज़ियती कलमात अगर आप वहाँ जाते हैं और इतने वहाँ इतने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आए उनसे मिलने का मौका था, क्योंकि हम तो बेचारी गरीब कौम है ना, किस्म की गरीब कौम जाए सर, कौन सी गरीब कौम? आप शहबाज शरीफ साहब का वहाँ पे आप देखें सर, शानदार अंदाज में प्रोटोकॉल चेक करें, वहां पे उनकी उनकी माशाल्लाह ड्रेसिंग को देखें, बड़े जबरदस्त प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, तो आप गरीब कौम के वजीर आजम के तौर पर तो वहां नहीं गए थे? भाई देखें, गरीब से ऐसी हमदर्दी जताना आसान है और गरीब बन के रहना दिखाना बहुत मुश्किल काम है। ये लोग तो इतने जालिम लोग हैं, इन्हीं की क्या बात कर रहा हूँ, हमारे जितने इख्तदार से जुड़े हुए लोग हैं इतने जालिम हैं कि आप उनके कपड़े देखें कि वहाँ मट्टी से बुरी लतावा आदमी है और बेहतरीन सफ़ेद जो है ना शलवार कमीज़ और उस पर कोट सजाए हुए और मुस्कराते चेहरे से और समझाते हुए फलसफा बगाड़ते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, इनके दिल अगर ना मर जाते तो ये अजाब भी ना आता है मेरा तो यकीन है। सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हजारों लोगों के जनाजे उठाए गए, बल्कि जनाजे दफनाने की जगह मौजूद नहीं थी, हुकूमत नजर नहीं आई, बलूचिस्तान की हुकूमत की बात करें, सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, फेडरल वफाक की हुकूमत आज भी नून लीग के पास है, सर हुकूमत उस तरीके से नजर नहीं आई, एक आध दिन दो दिन फोटो सेशन हुए, लेकिन क्या एमएनएस एमपीएस इतनी बड़ी तादाद है, इनको जो बड़ी मोहब्बत है ना वो इख्तदार से सबको, और मुकाफ़त मल ये है कि अगर इनका जनाजा, सोच के अगर इनका कौम का जनाजा उसके लोगों का जनाजा उठ रहा है तो इनके इख्तदार का जनाजा भी उठेगा, क्यों कि ये लोग जो चीखने वाले हैं, खुदा ना करे खुदा ना करे हमारे मुंह में खाक, अगर ये रद्द अमल शदीद हुआ तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी तब्दीली का बायस हो सकेगा, बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, बहुत हमारी गुलामाना सोच की अक्कासी करती है तमाम सूरतेहाल के, हमारे मुल्क में इस वक्त सूरतेहाल क्या हो रहा है और हम ये लोग गरीब लोग भूखे लोग नंगे लोग मर रहे हैं, जान दे रहे हैं, बीमारी नहीं, खाने को नहीं, घर नहीं, छत नहीं, अब ऐसे में जो है आप उनके साथ ये रवैया करें और अगर उनमें खून खराबी की लहर दौड़ गई तो वो किसका मतलब? जहांगीर साहब मुझे और क्लियर करें ना, एक मुल्क का वजीर आजम एक कौम के लिए क्या हैसियत रखता, माँ की बाप की सरपरस्त की घर के बड़े कहीं भैया कहीं रखता होगा, यहाँ तो ठेकेदार है वो, अब उसको तो इख्तदार चाहिए हो कोई भी हो, वो भाई कौन सा भाई कौन सी हमदर्दी कर दी क्या कर दिया, अब बेवकूफ बिल्कुल इमरान खान पे इल्जाम जो लगाते थे अभी कहते थे
कि ये डॉलर बस स्टैंड चाहिए आईएमएफ से, डॉलर जो है काबू में आ जाए। अब काबू में नहीं आए तो करो डॉलर की शॉर्टेज हो गई। लेकिन लेकिन जागे साहब मुझे बताएं ना कि अगर शहबाज शरीफ साहब ये बना रहे हैं सर, अगर लंदन ना जाते और माजरत कर लेते और ये बयान देते कि मेरा मुल्क डूबा हुआ है, मेरे लोग इस वक्त मुश्किल में है, मेरी माए, मेरी बहने, मेरे बच्चे इस वक्त मुश्किल में है, और ये बात कह के वो माजरत कर लेते तो उनका कद में इजाफा होता सियासी और आलमी सतह पर भी। भाई उसके लिए कदम इजाफे के लिए नीयत का अच्छा होना ज़रूरी है। जो भी करते हैं ड्रामेटिक करते हैं लोग, तो इनकी इनकी ना नीयत अच्छी होती है ना इनका कदम में कभी इजाफा हो सकता है। ये जो ना मखलूकी अजीब है, ये एहसास मर चुका है इनमें, इनको ये सर हजारों लोग रोज मर रहे हैं, हजारों लोग मर चुके हैं, हजारों लोग रोज मर रहे हैं सर। खुद परस्त का मतलब मालूम है, खुद की परस्तिश करते हैं, इनको कुछ नजर नहीं आया, ना खुदा ना रसूल, सिर्फ नाम लेते हैं। इनका खौफ कहाँ है, खुदा से डरते ही है तो इनकी हालत ये होती, इनके चेहरे इतने ताजा होते हैं। ये जो है मिठाई की कौम, आपको लगता है कि कौम इस तमाम सूरत हाल में सारी सूरत हाल को फरामोश कर देगी, भूल जाएगी, फरामोश कर देगी? कैसे अजीब सी बात करने नाकाबिल फरामोश सर, जख्मी किया है, जख्मी है लोग, कौन जख्मी हो रही है, भूख है, प्यास है, नंग है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ये भूलने वाली चीज है। लेकिन लेकिन सर, क्या क्या चीजें भूला हुआ वसी तर मफाद के लिए, वसी तर मफाद क्या है, ये भी जो है ना एक मित है, कौन से समझाओ तो मुझे कि वसी तर मफाद क्या होता है, इनका इख्तदार में आना, इनका जो रवाबत है, खाना पीना स्टेट प्रोटोकॉल भी है, वहां पे दूसरे बुजुर्ग भी हैं, सदूर भी हैं मुल्कों के सर, वो भी आए हैं, एहसास कर सकेंगे, इन्होंने किया होगा सर, हो सकता है वहां तो शाही प्रोटोकॉल था, शाही वो तो मिलकर थी, उसके लिए हर शख्स का शाही प्रोटोकॉल था। गरीब मुल्क का कोई एहसास हो रहा था किसी को कि ये गरीब मुल्क का वजीर आजम है, कुछ पसमर्दा है, कोई गमगीन है, आप गरीब मुल्क है। आप अपील तो ये क्लियर करें, या तो गरीब मुल्क का अमीर है वजीर आजम बोले, आप ये ना करें, क्योंकि जो शख्स एवन फील्ड अपार्टमेंट में रहता है तो सर वो गरीब नहीं हुआ ना, इसको भी वो इल्जाम करते हैं, प्रोपेगेंडा समझते हैं सर, मुलाकात होती है उनको जो है, वो अभी कह रहे थे कि नहीं सब कुछ ठीक है, ये प्रोपेगेंडा है, मीडिया का प्रोपेगेंडा है, मीडिया दिखाएगा नहीं, भूख नंग को नहीं दिखाएगा, तमाशे जी जो आप कर रहे हो वो नहीं दिखाएगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं है सर। थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं सर, क्या ज्यादती कर रहे हैं, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां थी और उसमें कुछ ज्यादा तो कुछ भी नहीं था, और वो गए हैं मुल्क के यार, आप उसी तबके से ताल्लुक लगता है, जिस तरह इतनी थी उतनी थी, भाई कुछ फर्क रखो वरना तुम्हारे भी आखिरत में जो है खराब होती है। बात ये नहीं है, देखिए उनका मकसद हो सकता है बड़ा, हो सकता है वहां पे लोगों के लिए इमदाद बड़ा, इससे बड़ा क्या होगा, उन्हीं लोगों के लिए इमदाद दे, इमदाद ले लीजिए, अगर जमहूरी सदर लग रहे हैं, वजीर आजम लग रहे हैं, ये वो कोई मलका की तरह के कोई शहंशाह लग रहे हैं, अबे ऐसा नहीं होता भाई साहब, फिर जमीन रगड़ने पड़ती है, ये तो 10-20 हजार। अगर अगर आपको लगता है कि कहीं ना मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, यहाँ का हर सर आपको लगता है कि यहाँ पे दूसरे वाले कौन से जो है, वजीर इमरान खान की बातें कर रहे हैं, 10 मैराथन में जो है वो 10 अरब रुपए आ गए उनके, अब कौन साबित कर रहा है, लोग उन पर नुकसान नहीं कर रहे, जैसे 1 मिलियन वो ट्री लगाए थे, 10 अरब उनके आ गए, अब उनका मुखालफी कई लोग हैं, उनका यकीन ही नहीं करते, इस्तेमाल ही नहीं करते कि क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, ये अभी कितना क्योस है, कितनी अलमनाक सूरत हाल है, क्या आवाम यकीन करने को तैयार नहीं है सर? आपको लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखें इतने अहम दौरे हुए हैं, अभी एससीयू समिट थी, फिर अभी अभी यूके गए शहबाज शरीफ साहब, एक जानिब खान साहब देखें टेलीथॉन से करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं सर, ये लोगों पे लगना ना सर, ये इमदाद भी है कि लोगों पे लगनी है, लगना एक सवाल है ना, लगता लगेगा जब बात करेंगे लगना। एक प्रोग्राम में मैंने कहा, उन्होंने कहा इंशाल्लाह 12-15 इंशाल्लाह गिना दिए कि इंशाल्लाह ये करेंगे, इंशाल्लाह ये करेंगे, मैंने कहा भाई इंशाल्लाह अच्छा होगा, अबे भाई सुनो तो सही, इंशाल्लाह कहना अच्छा है, मैंने कहा 3 माशाल्लाह भी कहते जो आपने तकमील को पहुंचाती हूँ अल्लाह के फजल से, वो चुप हो गए मुल्ला, और जब बाहर निकले तो कहने लगे यार इस तरह की बातों से जो है तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा नहीं, अभी चलेगा नहीं, तुम चल रहे हो, आपने कहा नहीं अस्तगफिरुल्लाह,
नहीं, अस्तगफिरुल्ला तो मैंने अपने ऊपर भी कहा होगा कि मैं किन लोगों में बैठ गया। ठीक हो गया जाएंगे सर, आपका मौका आगे किन तौर पे, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि तस्वीर अक्सर याद दिलानी कराती हैं। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त बरतानिया की मलका के आखिर सुमात में होना एक तरीके से तो ये बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान को रवाबित कायम रखने हैं, लेकिन क्या वहाँ पे मुल्क के वजीरे वजीरे खारजा हो सकते थे या दीगर गुजरा हो सकते थे या दीगर गुजरा शायद इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का मुकाबला करते हुए आम आवाम में नजर आते तो वजीर आजम वहाँ पे होते, लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि 12 जमातों के दरमियान वजारतों की तकसीम हुई है, बंदरबांट हुई है, तो हर कोई जाने वाला कोशिश करता है उसके साथ वो भी जाए, किसी दूसरे तरीके से वो भी उस तमाम तर प्रोटोकॉल को एंजॉय करे, लेकिन अगर मुल्क की बात आती है तो शायद कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटीज में नहीं है। और ये बात भी दुरुस्त है कि इस वक्त हजारों लोग लुकमा अजल बन गए, हजारों लोग सैलाबी पानी से बह के शहीद हो गए और ना जाने कितने लाखों करोड़ों रुपयों का लोगों का नुकसान हो गया, लेकिन कोई वज़रा कोई सियासी लीडर इस वक्त उन लोगों की नमाज जनाजा अदा करता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन क्योंकि मलका की आखिरी रसूमात थी तो अदा करनी जरूरी थी। इसी नोट पे अपने मेजबान उन्हीं को इजाजत दीजिए। जांगिर साहब आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ फरमा हुए और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।